हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज पुनः से हम आपके बीच में हैं और आज हम चर्चा करेंगे बायो एक्यूमुलेशन जैविक संचयन तथा बायो मैग्निफिकेशन जैविक आवर्धन के बारे में। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं बायो एक्यूमुलेशन से। बायो एक्यूमुलेशन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इन्वायरमेंट से टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स का फूड चेन के फर्स्ट, दोबारा से कह रहा हूँ कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एंटर करना और वहाँ पे उन टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन का बढ़ना, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाउ द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स एंटर इनटू द फूड चेन इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। कि जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से फूड चेन के फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एंटर करते हैं। अब हम बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन की। बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ होता है जब हम किसी फूड चेन के लोअर ट्रॉपिक लेवल से जब हायर ट्रॉपिक लेवल्स की तरफ जाते हैं तो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, इसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन को एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज, हमने सपोज किया कि घास के एक तिनके में इंसेक्टिसाइड DDT की कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम है। अगर किसी टिड्डे ने 10 घास के तिनकों को खाया तो उसके अंदर DDT की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 माइक्रोग्राम। अब अगर किसी मेंढक ने अगर 5 टिड्डों को खाया तो उसमें कंसंट्रेशन होगी 50 माइक्रोग्राम। और अगर किसी सांप ने 2 मेंढकों को खा लिया, ये एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, तो सांप के अंदर DDT की कंसंट्रेशन होगी ये 100 माइक्रोग्राम। अगर बाज ने 2 सांपों को खा लिया तो इसके अंदर हो जाएगी 200 माइक्रोग्राम। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि लोअर ट्रॉपिक लेवल्स से जैसे जैसे हम हाई ट्रॉपिक लेवल्स की तरफ जा रहे हैं तो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स या पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पर बढ़ती जा रही है, तो इसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन के ह्यूमन बीइंग्स और इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम इसी चर्चा को विस्तार देते हैं। सबसे पहले बायो मैग्निफिकेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कि जो पोल्यूटेंट है वो लॉन्ग लीव्ड होना चाहिए, वो लंबे समय तक पर्यावरण के अंदर या जीवों के अंदर रहना चाहिए। दूसरा, वो मोबाइल होना चाहिए, एक जीव से दूसरे जीव में उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। थर्ड वन, सोल्यूबल इन फैट्स। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर वो पोल्यूटेंट वाटर सोल्यूबल होगा तो वो तो ह्यूमन बीइंग से या एनिमल्स की बॉडी से यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो उसका बॉडी के अंदर बायो मैग्निफिकेशन होगा ही नहीं। तो अगर बायो मैग्निफिकेशन को होना है तो पोल्यूटेंट शुड बी सोल्यूबल इन फैट्स, वसा में घुलनशील होना चाहिए और बॉडी के टिश्यूज के अंदर जमा होना चाहिए। नेक्स्ट, दैट पोल्यूटेंट शुड बी बायोलॉजिकली एक्टिव। अगर वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होगा तो बायो मैग्निफिकेशन नहीं होगी। अब ये बायो मैग्निफिकेशन के हम कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स PCBs। नेक्स्ट, कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं और कुछ पेस्टिसाइड्स हैं एंड सम हैवी मेटल्स हैं जो बायो मैग्निफिकेशन शो करते हैं, और उनका इन्वायरमेंट तथा ह्यूमन बीइंग्स पे क्या प्रभाव होगा इसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे PCBs, दे आर हार्मफुल टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसकी वजह से जो न्यू बोर्न बेबीज़ होती हैं उनके अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। अगर हम बात करें एंडोसल्फान, तो एंडोसल्फान इज ए पेस्टिसाइड्स। इसका फेमस एग्जांपल हम केरला से लेते हैं। केरला के अंदर आप सभी को पता होगा कि काजू की फसल बहुत ज़्यादा होती है, तो केरला के अंदर किसानों ने काजू की फसलों के ऊपर, कॉटन क्रॉप्स के ऊपर, टी, पैडी एंड फ्रूट्स के ऊपर एंडोसल्फान नामक पेस्टिसाइड को स्प्रे किया। जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि एंडोसल्फान ये बायो मैग्निफिकेशन कर रहा है और जो न्यू बोर्न बेबीज़ हो रही हैं उनके अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, न्यूरोटॉक्सिसिटी, लेट सेक्सुअल मैच्योरिटी जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एंडोसल्फान को इंडिया में प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। नेक्स्ट, हम एक पेन किलर का एग्जांपल लेते हैं जिसका प्रयोग वेटरनरी सर्जन्स के द्वारा एनिमल्स के ऊपर किया जाता है, और वो है डाइक्लोफिनाक। जब जानवरों को पेन होता है, दर्द होता है, तो इसका प्रयोग एज ए पेन किलर किया जाता है, डाइक्लोफिनाक।
इसका ये बॉडी के अंदर बायो मैग्नीफाई करता है। जब वो जीव मर जाता है तो उसको वल्चर्स कहते हैं, और वल्चर्स के अंदर डाइक्लोफिनाक की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और इसकी तो थोड़ी सी मात्रा से ही वल्चर्स गिदों के अंदर किडनी फेलियर हो जाता है, जिस वजह से इंडिया के अंदर वल्चर्स की संख्या बेहद कम हो गई है। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा वल्चर्स को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये हमने बात की डाइक्लोरोफिनाक, और ये जो वल्चर्स होते हैं इसको प्रकृति के सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको खा के ये हमारे पर्यावरण को साफ करने का काम करते हैं, इसलिए वल्चर्स को गिद्धों को पर्यावरण के सफाई कर्मी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम फेमस एग्जांपल लेते हैं एल्ड्रीन का। तो एल्ड्रीन इज़ ए पेस्टिसाइड। एल्ड्रीन का प्रयोग किसानों के द्वारा टर्माइट्स को कंट्रोल करने के लिए, दीमक की रोकथाम के लिए किया जाता है, और इसके द्वारा भी जो न्यू बोर्न बेबीज़ होते हैं उसमें उनके अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, और ये भी बायो मैग्नीफाई होता है। नेक्स्ट एंड वेरी फेमस एग्जांपल है DDT। DDT इज ए इंसेक्टिसाइड, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। वो जो DDT है इसका यूज सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान सैनिकों को मलेरिया से बचाने के लिए भी किया जाता था, लेकिन तब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि DDT ह्यूमन बींग्स के अंदर मैग्नीफाई हो रहा है जब ये फूड चेन में एंटर कर रहा है, और एंटर करके इस ये बायो मैग्नीफिकेशन शो कर रहा है, तो वर्ल्ड वाइड DDT के यूज़ को बैन कर दिया गया। नेक्स्ट हम कुछ हैवी मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं कि जो बायो मैग्नीफाई होते हैं और जिससे ह्यूमन बींग्स और आपके इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे पहले हम DDT की एक बात और कहते हैं कि DDT के कारण जो पक्षी होते हैं उनके अंडों का कवर पतला हो जाता है, थिनिंग ऑफ द सेल होती है, जिस वजह से अंडा समय से पहले टूट जाता है और बच्चा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये DDT का एग्जांपल है। और ह्यूमन बींग्स के ऊपर DDT कैंसर काजिंग है, इस वजह से मनुष्य में कैंसर होता है, इस वजह से DDT को वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया गया। अब कुछ हैवी मेटल्स जो बायो मैग्नीफिकेशन शो करते हैं, तो फर्स्ट इज योर लेड हिंदी में कहेंगे सीसा, इसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी फेमस एग्जांपल मरकरी इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, और मरकरी की वजह से जापान के मीनामाटा बे के अंदर मछलियों में मरकरी एंटर कर गया, और मछलियों से मरकरी ह्यूमन बींग्स में एंटर कर गया, जिस वजह से ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुए, फिजिकल डिफॉर्मिटीज हुई। और ये जापान में जो मीनामाटा बे है वहाँ पे ये मरकरी आया कहाँ से, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था उसको विदाउट ट्रीटमेंट इंडस्ट्री से समुद्र में बहा दिया गया, तो ये इंडस्ट्री से मरकरी एंटर कर गया मछलियों में, मछली से ये ह्यूमन बींग्स में, और बॉडी के अंदर जब ये बायो मैग्नीफाई हुआ तो इससे अनेक प्रकार की फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर्स ह्यूमन बींग्स के अंदर हुए। नेक्स्ट है कैडमियम की वजह से ह्यूमन बींग, इस कैडमियम का छिड़काव जो है वो फसलों के ऊपर किया जाता है, और कैडमियम की वजह से ह्यूमन बींग्स में इटाई नामक डिजीज़ होती है, इसके अंदर ह्यूमन बींग्स की हड्डियाँ बेहद सॉफ्ट हो जाती हैं एंड दे आर वेरी प्रोन टू ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्सेनिक इज़ आल्सो ए हैवी मेटल, और ये जो डीप ग्राउंड वाटर होता है उसके द्वारा ये ह्यूमन बींग्स में एंटर करता है, और आर्सेनिक के द्वारा ह्यूमन बींग्स में ब्लैक फूट डिजीज होती है। तो ये बात रही हमारी बायो मैग्नीफिकेशन की। बायो मैग्नीफिकेशन को हमने उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पता लगा कि बायो मैग्नीफिकेशन इन्वायरमेंट प्लस एनिमल्स तथा ह्यूमन बींग्स के लिए बेहद हानिकारक है, तो इन बायो मैग्नीफिकेशन शो करने वाले इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स को बैन करने के लिए एक ट्रीटी एक कन्वेंशन या एक संधि हुई, और ये संधि हुई स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के अंदर। इसमें क्या हुआ कि 2001 के अंदर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स
यहाँ पे ये कन्वेंशन हुई और इस कन्वेंशन के बाद वर्ल्ड वाइड एंडोसल्फान, डाइक्लोफिनाक, एल्ड्रीन और डीडीटी को वर्ल्ड वाइड इसके यूज को और इसके प्रोडक्शन को बैन कर दिया गया। और ये कन्वेंशन कब हुआ? 2001 में। और ये इफ़ेक्टिव कब से हुआ? ये 17 मई 2004 से ये वर्ल्ड वाइड ये कन्वेंशन, ये ट्रीटी इफ़ेक्टिव हुआ। तो आज के वीडियो में हमने ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के कंसेप्ट को विस्तार देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसे लाभान्वित होंगे। पुनः एक वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी